नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन में प्रोटीन के बारे में कि यूरिन में प्रोटीन क्यों आता है, किन वजह से आता है और किन किन कारणों से यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है। क्योंकि यूरिन में प्रोटीन आना एक कॉमन दिक्कत होती है जो कि हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी अगर किडनी को किसी भी वजह से नुकसान हो रहा है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनी है, चाहे आईजीए नेफ्रोपैथी है, तो हमें यूरिन में प्रोटीन नज़र आना शुरू हो जाता है कि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉथी हो गया है, झागदार हो गया। और इतना झागदार होता है कि जब हम उसे करते हैं, यूरिन को पास करते हैं, तो पॉट के अंदर झाग आनी शुरू होती है। और कभी कभार डाउट होता है, लगता है कि जैसे यूरिन के पॉट के अंदर पहले से कोई सोप या डिटर्जेंट पहले से पड़ा हुआ था। पर जब हम इसे बार बार कंटिन्यूसली हम देखते हैं तो हमें थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू होती है कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है हमारे यूरिन के साथ। तो यूरिन में जब प्रोटीन आ रहा है तो झाग बन रही है, ये पहला साइन होता है जो कि देख के हमें आइडिया लग सकता है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर गलत चल रहा है। और जब हम इसका यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो कंफर्म हो जाता है कि कुछ गलत है। क्या गलत है पता नहीं होता। तो यूरिन में प्रोटीन आना एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो तब आती है जब किडनी को किसी न किसी कारण से नुकसान पहुंचे, चाहे वो बीपी है, शुगर है, आईजी नेफ्रोपैथी है या पॉलीसिस्टिक किडनी है। किसी भी कारण से किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, अंदर सूजन आएगी, तब जाके यूरिन के अंदर प्रोटीन रिलीज होना शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन आ क्यों रहा है, किस वजह से आ रहा है। क्योंकि किडनी के अंदर स्वेलिंग आई तो किडनी के अंदर जो खून साफ करने की जो प्रक्रिया है ना, वो आप उसे समझने आसान शब्दों में समझने की कोशिश करना, ये एक छन्नी की तरह काम करते हैं, मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। आरओ मेम्ब्रेन होती है, हमारे फिल्टर्स में लगी होती है। तो हम क्या होता है, उसमें पानी जाता है, पंप प्रेशर बनाता है, पानी दूसरी तरफ से निकल जाता है और गंदगी एक तरफ हो जाती है। हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं कि ब्लड आता है प्रेशर से, नेफ्रॉन्स में सर्कुलेट करता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो जो प्रेशर हमारा हार्ट यहाँ पर पंप कर रहा होता है और प्रेशर को बना रहा होता है, तो बेसिकली हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेशर पे काम कर रहे होते हैं। अब जब कभी हमारे मेम्ब्रेन में, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर किसी टाइप की सूजन आए, क्योंकि हमारे जो फिल्टर लगे हुए हैं घर में आरओ है वो डेड होती है, डेड मटेरियल की बनी हुई होती है, मगर हमारी किडनी के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो अलाइव सेल्स की बनी हुई होती है। तो अगर उस मेम्ब्रेन को किसी टाइप का भी डैमेज होता है तो प्रोटीन जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है एल्ब्यूमिन फॉर्म में, ग्लोबुलिन फॉर्म में, वो भी रिलीज होना शुरू हो जाता है हमारे यूरिन के थ्रू और हमें इंडिकेट करता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है हमारी किडनी के साथ। अब सवाल उठता है कि किन किन कारणों से ये यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है। क्योंकि जब हम शुरू शुरू में हमारे क्रिएटिनिन लेवल 1.3 1.4 होता है, स्लाइटली अप होता है, तो यूरिन अक्सर ट्रेसिस में आ रहा होता है कि थोड़ा सा आ रहा है। बट जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो ट्रेसिस से 1+, फिर 2+, फिर 3+ और 4+ तक वो चला जाता है। यानी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा हमें ये बता रही होती है कि किडनी में कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि किडनी के जितने बड़े हिस्से में नुकसान होगा उतना ज़्यादा प्रोटीन निकलेगा और जितना ज़्यादा प्रोटीन वहाँ से रिलीज होगा वो यूरिन में पता लग जाएगा। तो किडनी की जो हेल्थ है, जो करंट हेल्थ है, जो आज की कंडीशन है, उसके बारे में हमें यूरिन का प्रोटीन बता रहा होता है। यानी अगर ट्रेसिस पे आपका यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, यानी आपकी किडनी के अंदर नुकसान कम है, छोटी सी मात्रा में है, हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। अगर वो 1+ आ रहा है, यानी उससे ज़्यादा, 2+ उससे ज़्यादा, 3+ उससे ज़्यादा और 4+ पहुँचते पहुँचते किडनी को काफ़ी बड़े हिस्से में नुकसान चल रहा है या हो चुका है, जिसकी वजह से इतना हैवी प्रोटीन हमारे यूरिन में आ रहा है। अब कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो यूरिन की प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। यानी अगर एक पेशेंट बीपी अनकंट्रोल्ड रखता है, बीपी की मात्रा बढ़ी रहती है, तो प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि अक्सर पेशेंट में से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैंने कल करवाया था 2+ था, आज एकदम 3+ कैसे हो गया, ये 4+ कैसे हो गया। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यूरिन में प्रोटीन जो आ रहा है उसकी मात्रा और बहुत सारे फैक्टर पर भी डिपेंडेंट होती है और उसमें सबसे ऊपर आता है हमारा ब्लड प्रेशर। अब प्रेशर को समझने की कोशिश करना कि प्रेशर चीज़ क्या होती है, क्योंकि हम नॉर्मली बात तो कर रहे हैं बट आप इसे समझ नहीं पा रहे। आप घर में जूस छानते होंगे, आपने ऑरेंज का जूस निकाला या किसी चीज़ का जूस निकाला, उसको आपने छन्नी पर रखा, आप छान रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जूस जो है वो छन्नी पार करके नहीं आ जाता,
कुछ आता है, कुछ ऊपर रह जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हम उसे ऊपर से दबाते हैं, उसको और प्रेशर डालते हैं, तो क्या होता है कि जो पल्प होता है, जो ऑरेंज के अंदर जो रेशे होते हैं, वो भी छन्नी को क्रॉस कर आना शुरू कर देते हैं। यानी प्रेशर देने से जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी पास कर जाते हैं छोटे छोटे छेदों से। इसी तरह से जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या हो रहा है कि ब्लड जब प्रेशर से एंटर करता है तो बड़े बड़े पार्टिकल्स उन छोटे छोटे छेदों से निकल कर बाहर आना शुरू कर देते हैं। यानी अगर प्रेशर बढ़ा है तो यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर हमें फीवर है, अगर आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आप फीवर आपको आया है, तो भी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो अब जब भी आप यूरिन का टेस्ट करवाने जाएँ, प्रोटीन का टेस्ट करवाने जाएँ कि यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप घर पर एक बार अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो चांसेस ये हैं कि जो आप सैंपल लैब में देकर आएंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर ज़्यादा था। तो हम यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किडनी के अंदर क्या चल रहा है और किस लेवल का नुकसान हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट से मिलिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, आता हूँ बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि किडनी फेलियर के केसेस के अंदर किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे लोअर लेवल पर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को साफ कर सकता है। अगर हम इसका ध्यान रखते हैं, ये हमारा ध्यान रखता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी के फादर। ये हमारे पास पिछले महीने नवंबर में हमारे पास आए थे अपने बेटे की किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर। और अभिषेक अभी मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जी सर, है ना, हो गया इंजीनियरिंग जी, उसका? जी सर। तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में तब लेवल क्या थे? उस समय क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया? उस समय चंडीगढ़ सर। 2 साल। 2 साल तक चला जी। और फिर लेवल बढ़ते चले गए? बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीने से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चले बढ़ते गए। चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने, 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और अभी तुम तुरंत जाके डायलिसिस करा लो, उस समय बोले। फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर, कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा चीज़ चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया, उसके बाद जस्ट आपके पास आए। आपके पास आए उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था, 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के, लेकिन वो नहीं खा रहा था सर। अच्छा, बिस्किट नहीं सर, 2 बिस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था, 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेकर सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया। फीवर आया, उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुंच के शाम से आपका मेडिसिन वो शुरू किया, 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया। सबसे पहले तो अच्छा नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ, वो खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा अभी रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था, क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता ही जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन वहाँ से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था आपको 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा। जांच करा के आया, फिर उसको रिपोर्ट आया, वो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर? 4.8। पहले 9 से 4.8। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर सर। ठीक है। तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर। हाँ, तो 2016 में कराए थे। बायोप्सी में क्या आया था, कुछ याद है? नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि उनको IgA नेफ्रोपैथी है,
एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक चलती है, फैमिली में चलती है, और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है, और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास आए क्रिएटिनिन के लेवल, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था, और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर। 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है। लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज की डेट में किसी भी ज़रूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हुई, क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है, तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज़्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। तो अब आपको कैसा लगता है? न सर, रिपोर्ट दी तो सर मेरा फैमिली देखा तो इतना खुश हुआ जैसा कोई हद नहीं था सर। ये पढ़ने वाला नया लड़का था और अच्छा इसका अभी पढ़ाई भी चल रहा था सर। अभी कहाँ एडमिशन हुआ है उसका? अभी पटना में है सर, पटना IIT में उसका हो गया एडमिशन। जी जी जी, चलो हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से देश का नाम रोशन करें, ठीक है? और ऐसे इसकी इम्प्रूवमेंट है, चलती रहे। आपसे दोबारा मिलना होगा ना सर? अगला महीना आपसे आकर मिलेगा वो। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को डाउन कर सकते हैं। हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला ध्यान हमें इस चीज़ का रखना होता है, अपनी बीमारी जो शुरू हुई है किडनी फेलियर की, वो किस वजह से शुरू हुई है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। यानी अगर मेरी किडनी ख़राब हुई है BP की वजह से, तो मुझे BP का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इसी तरह से मेरी किडनी ख़राब हुई है शुगर से, तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखूँगा? शुगर का, कि शुगर जो मेरी है, मेरी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहे, मेरे शुगर लेवल कभी भी नॉर्मल रेंज से बाहर ना जाए। क्योंकि अगर मेरी डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगी तो मेरा किडनी फेलियर ऑटोमेटिक तरीके से अनकंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होने चाहिए, जिससे वो अपना अच्छे से अच्छा ध्यान रख सके। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।